हेलो दोस्तों, आज हम किसी फिल्म, किसी एक्ट्रेस या किसी एक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी लेखिका की जिन्होंने अपने लेखों से, अपनी कविताओं से सबका दिल जीत लिया है। ये गीत फिल्म पिंजर का है जो कि पार्टीशन नॉवल पे आधारित है, जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा है, जो कि एक पंजाबी राइटर है। ये गीत आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है और भला गूंजे भी क्यों ना। अमृता प्रीतम के हाथों लिखा ये गीत आज भी हमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे कैसे लोगों के दिलों को तार तार कर दिया था, इस बात को याद दिलाते हैं। अमृता प्रीतम उन महिला लेखकों में से एक है जिन्होंने बंटवारे और उस दौर की घटनाओं पर लिखा। वो अपने समय से बहुत आगे का सोचती थी और यही बात उनके काम में और उनके जीवन में झलकती थी। आइए अब आपको इनके जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। अमृता प्रीतम का जन्म पंजाब में हुआ और उनके माता पिता ने जो उन्हें नाम दिया था वो अमृत कौर था। जिन हालातों में उनका जन्म हुआ कोई कह नहीं सकता था कि वो आगे चल के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएंगी। अमृता प्रीतम ने कुल 100 किताबें लिखी हैं, जिसमें से उनकी आत्मकथा प्रसिद्धि टिकट भी शामिल है और उनकी नॉवल पिंजर पंजाबी लिटरेचर में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। अमृता प्रीतम ऐसे साहित्यकारों में से एक है जिनके लेखों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और भारत में उन्हें दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब बात करते हैं अमृता प्रीतम की जिंदगी के कुछ छुपे हिस्सों की जिन्होंने उनके लेखन को भी प्रभावित किया। अज लखां तियां रोंदियां तैनु वारिस जानू कहण, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चनाब, किसे ने पंजा पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां दर्द नूं दित्ता पानी ला। पंक्तियां दर्शाती है उनकी जिंदगी के उस पड़ाव को जब वो एक रोमांटिक राइटर से प्रोग्रेसिव राइटर बन चुकी थी। ये अमृता प्रीतम की जिंदगी का वो पड़ाव था जब उन्होंने देश के हालातों के बारे में लिखना शुरू किया। अमृता प्रीतम अपनी इस कविता में कवि वारिस शाह से कहती है, बंटवारे की वजह से हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए अब उन्हें एक नई प्रेम कहानी लिखनी है। अमृता प्रीतम ने देश की ही नहीं बल्कि महिलाओं की आजादी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। अपने तलाक के बाद अमृता प्रीतम ने महिलाओं के वैवाहिक जीवन और उनकी पीड़ा के कड़वे अनुभवों को पन्ने पर उतार दिया। अगर उनके निजी जीवन की बात की जाए तो अपने पति से अलग होने के बाद उन्हें शायर साहिर लुधियानवी में एक इंस्पिरेशनल फिगर की झलक नजर आने लगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक वो उन्हें चाहती हुई थी, लेकिन साहिर लुधियानवी ने सिंगर सुधा मल्होत्रा से शादी कर ली। मैं तैनू फेर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तैनू तकती रवांगी। मैं तैनू फेर मिलांगी। ज्ञानवी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन इमरोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में गुजारा। ये बात उनकी अमृता इमरोज अ लव स्टोरी में दर्ज है। इतना ही नहीं बल्कि इमरोज ने अमृता प्रीतम की आने वाली कई किताबों के कवर्स भी डिजाइन किए थे। ये सब जानने के बाद आपको पता चल गया होगा अमृता प्रीतम कितनी विजनरी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी जो समाज के रूढ़ीवादी विचारों को चुनौती देने में विश्वास रखती। अगर आप उनको और जानना चाहते हैं तो आप उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे पिंजर, सागर और सीपिया, कोरा कागज। आज के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।